ऐसे भगवान वेदव्यास जी ने बढ़ाया वेद को, उन्होंने कितना सब काम किया। वेदो नित्य विधीयता, बोले स्वामी जी इतना वेद है हम क्या पढ़े। तो जो अपने शाखा है वो पढ़ना है। हमारी शाखा क्या पता है? तैत्रोपनिषद है। तैत्रोपनिषद है, तैत्रोपनिषद कौन सी शाखा है? कृष्ण यजुर्वेद। देखो तैत्रोपनिषद लिखा होगा कृष्ण यजुर्वेद, तो हम लोगों का कृष्ण यजुर्वेद है। यजुर्वेद है ना, वो जो श्रृंगेरी मठ है, ठीक, तो कृष्ण यजुर्वेद है। जो हम लोग पढ़ते भी है मंत्र पुरुष सूक्तम श्री सूक्तम नारायण सूक्तम, तो यही वेद है। इसलिए एक एक तो चार्ट टोटल जाना, हम क्या पढ़ना चाहिए, क्या वेद जो पढ़ रहे हैं। रुद्र पढ़ रहे हैं वो भी यजुर्वेद, तो इसी को बोलते वेदो नित्यम अधीयता। साधक की दृष्टि से जो हम कर रहे हैं वही है वेद। तदुदितम कर्म सनुष्ठीयता। अब इसको देखो, वेद में अनेक प्रकार कर्म बताया गया है। शिव अपराध क्षमापण स्तोत्र के समय में मैंने बताया था कर्म कितने प्रकार हैं। क्या क्या स्टार्टिंग में काम्य कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, ठीक चल रहा है, प्रायश्चित कर्म और उपासना कर्म। इसको डिटेल वेदांत सार में स्वामी सदानंद जी ने वर्णन किया, तत्वबोध में हमको मिल नहीं रहा, आचार्य ने नहीं डाला, आत्मबोध में भी नहीं किया। वेद में तो है मीमांसा अथॉरिटी, कर्म मीमांसा, नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय सूत्र, ऐसे सब सूत्र है। एक बार सुना है फिर दो दो बार सुनना पड़े, करने से हमारे पास दृढ़ होकर रहेगा। काम्यानि स्वर्गाधिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि, मैं डायरेक्ट वेदांत सार के परिभाषा से समझा रहा हूं, लिखोगे नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ज्यादा चिंता मत। यहां से उन्होंने काम्य कर्म किया, मगर हम लोगों ने नित्य कर्म किया था, इसलिए नित्य कर्म से पढ़ रहे हैं। नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदना इति, नित्य कर्म क्या है ना, जिसको नहीं करने से कोई पुण्य, जिसको करने से कोई पुण्य नहीं होता है और नहीं करने से पाप होता है, ये बड़ा गजब है। नित्य कर्म करोगे तो कोई पुण्य होगा नहीं है, तुमको करना है, ये तुम्हारा ड्यूटी है, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, यू हैव टू डू नित्य कर्म, नहीं करोगे तो पाप होगा। एग्जाम्पल बता रहे हैं संध्या आदि, रोज के जो संध्या आदि है वो नित्य कर्म है। हमारे जो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग के लिए क्लास अटेंड करना नित्य कर्म है, समाधि से लेकर के आरती से लेकर के शाम तक जो क्लासेस है नित्य कर्म है, नहीं करोगे तो पाप होगा। स्वामी जी डरा रहे, ये शास्त्र है वर्णन है, करोगे तो पाप पुण्य की दृष्टि से कुछ नहीं होगा, मगर क्योंकि ये हम ज्ञान अर्जन के दृष्टि से कर रहे हैं, साधना के दृष्टि से, तो ज्ञान अर्जन हो जाए नित्य कर्म। नित्य कर्म अवश्य करनी है, नित्य कर्म प्रतिदिन करने से अनजान में होने वाला पाप को विनाश हो जाता है। मनुस्मृति में कहते हैं गृहस्थ के लिए
पांच नित्य कर्म करते हैं, पंच यज्ञ कहते हैं, बताया था ऑलरेडी क्या है, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, दैव यज्ञ, भूत यज्ञ, नरक अतिथि। क्योंकि गृहस्थ के लिए पांच पाप होता है, पांच पाप क्या था ज्यादा होता है, मगर उनने बताया सिर्फ गृहस्थ के लिए, हम लोग को भी, हर आदमी। अभी हम लाइट जला रहे, कीड़ा आते हैं तो कीड़ा मरते है, वो भी पाप होता है हमारे घर। पैदल चल रहे और मच्छर होता तो ऐसा कर देते हैं ना, पाप शुरू हो गया। तो अनेक पाप होता है, कहते ये जो पांच यज्ञ करते हैं ये पाप दूर होता है, नित्य कर्म। फिर नैमित्तिक कर्म क्या है, पुत्र जन्म आदि अनुबंधी जातिष्ठी नैमित्तिक कर्म। अभी गणेश पूजा करेंगे, हालांकि गणेश पूजा हम लोग उपासना के दृष्टि से करेंगे, इसलिए वो हम लोग जो करेंगे गणेश पूजा उपासना के दृष्टि से। जन्माष्टमी किया, सारा दिन हम व्यस्त रहे, उपासना हो गई, हम कोई नैमित्तिक रूप में नहीं करते, ठीक है, वो हमारे उपासना। और उपासना दो प्रकार, नित्य उपासना, नैमित्तिक उपासना। नित्य उपासना रोज जो करते हैं, और समाधि आरती में जो करते हैं वो भी उपासना है, मंदिर में जो खड़ा रहते हैं आरती करते हैं, उपासना। नैमित्तिक कर्म, नैमित्तिक कर्म के थोड़ा सा वर्णन है, देखना। किसी निमित्त को प्राप्त करके अवश्य करणीय रूप में जो कर्म वेदों में बताया गया है, निमित्त जन्य होने के कारण नैमित्तिक है। किसी एक निमित्त, इसलिए पुत्रेष्टि यज्ञ भी अलग कामना युक्त है वो, और निमित्त लेकर के। फिर अभी काम्य कर्म, स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए जो कर्म है, काम्यानि स्वर्गादि निष्ठ साधनानि ज्योतिष्ठमादीनि, काम्य कर्म। फल प्राप्ति करने की जो कामना से कर्म किया जाता है काम्य कर्म है। कुछ है निषिद्ध कर्म है, अज्ञान के कारण मनुष्य गलती से कोई कर्म कर बैठता है। ब्राह्मण न बद्धंतव्य, सुराम न पीवेत, मांसम न खाद्य, ये सब निषिद्ध कर्म कहा गया है, गलती से हो गई। पर नारी गमनम न कुरियात, हिंसम न कुरियात, ये सब गलती से हो गई, निषिद्ध कर्म। उसके लिए एक एंटीडॉट है, क्या है वो कर्म, प्रायश्चित कर्म। क्योंकि जो नहीं करना चाहिए था वो कर लिया, तो उसको प्रायश्चित कर्म कहते हैं। प्रायश्चित कर्म क्या है, विहित कर्म को न करने से और निषिद्ध कर्म को करने से जो पाप होता है। जो नित्य कर्म है वो नहीं किया, अकर्ण प्रत्यवाय, प्रत्यवाय माने पाप है, याद रखना। तो वो जो नित्य कर्म करना था नहीं किया, पाप हुआ। तो विहित कर्म, नित्य कर्म को ही विहित कर्म, विहित माने विधि, शब्दों को ध्यान रखना। जो विधि है, जो विहित है, प्रेस्क्राइब्ड बोलते हैं इंग्लिश में, प्रेस्क्राइब्ड कर्म। उसी से डॉक्टर लोग जो पर्ची लिखते हैं ना, प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन बोलते हैं ना, विहित। वो कर्म न करने से पाप होता है, निषिद्ध कर्म करने से पाप होता है। उस पाप को दूर करने के लिए प्रायश्चित कर्म, चंद्रायन व्रत आदि, पिप्पलिका मध्य चंद्रायण, यव मध्य चंद्रायण, यति चंद्रायण, शिशु चंद्रायण, चंद्रायण अनेक प्रकार का है, मैं डिटेल नहीं जा रहा हूं। फिर लास्ट उपासना, उपासना क्या है, मानसिक व्यापार उपासना। निष्काम कर्म के रूप में जब करते हैं, कर्मयोग रूप में जब करते हैं, वो उपासना है। तो आचार्य बोलते हैं इसी को कहते हैं तदविदम कर्म संस्थीयता।
तेन ईशस्य विधीयता अपचिति ही। ये कोई भी जो कर्म करते हैं भगवान को समर्पित करके कर्म करना चाहिए। तीन नंबर, पहला नंबर क्या है, वेद का अध्याय। दूसरा नंबर क्या है, वेद में जो अनुष्ठित कर्म, वेद में जो कर्म बताया गया, वेद में जो ये छह प्रकार के कर्म बताया उसमें से पांच जो निषिद्ध है नहीं करना, गलती से अगर कर्म हो गया निषिद्ध प्रायश्चित भी है उसको करना चाहिए। और तेन ईशस्य विधीयता, वो सब अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, भगवान को समर्पण करके कर्मयोग कर निष्काम कर्म कर। फिर चौथा है काम्य मति स्तज्यता, ये जो काम्य कर्म है उसको मत कर, मन से हटाओ, काम्य जो फल की इच्छा है उसको हटाओ। चार तक गया, फिर कल देखेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण